मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ अजाक्स द्वारा 92% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा का प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि से सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिला महासचिव देवास संतोष हरियाले, तहसील अध्यक्ष कन्नौद नंदलाल हरियाले के नेतृत्व में अजाक्स पदाधिकारियों द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौद की कक्षा 12वीं की कुमारी कंचन बड़ोदिया ने गृह विज्ञान में 92% अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुष्पहार और भारतीय संविधान की उद्देशिका सप्रेम भेंट कर प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि से सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। कन्नौद से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा जो है वो ग्राम बड़ी करार से की है, उसके बाद मैं वहाँ तीसरी क्लास तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मुझे आगे भेजा गया कुस्मानिया छात्रावास में, उसके बाद नानासा हॉस्टल में। मिडिल स्कूल तक कहाँ पढ़े आप? मिडिल स्कूल की पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा कहाँ तक, कहाँ से ग्रहण किया आपने? माध्यमिक शिक्षा जो है वो नानासा हॉस्टल से की। नानासा हॉस्टल से की। जी सर। अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे? अभी मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल कन्नौद। कन्याशाला? जी सर। अच्छा, तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आपने फिर ऐसे कैसे सोचा कि मैं इतना मुकाम पा लूँगी? सर, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से अच्छे अंक लाऊंगी और मैं घर का जो है वो पूरा नाम रोशन करूंगी, घर का मम्मी पापा का जो है उनका सपना पूरा करूंगी चाहे कौन सी स्थिति आ जाए। अच्छा, ध्यान रखा था। आप मोबाइल वगैरह चलाते हो? चलाती हूँ लेकिन बहुत कम। अच्छा, मोबाइल के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? बच्चे आजकल, छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, उसके बारे में यही कहूँगी कि छोटे बच्चे जो है वो अभी मोबाइल से दूर रहें और पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दें। अच्छा, वो आगे क्या बनने का सपना है आपका? सर, अब मैं कॉलेज करूंगी, उसके बाद मैं MPPSC करना चाहती हूँ। MPPSC की तैयारी करोगे? यस सर। MPPSC में कौन सा अधिकारी बनना चाहोगे? सर, उसमें डिप्टी कलेक्टर फर्स्ट ऑप्शन है। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, डिप्टी कलेक्टर बन के आप क्या करोगे? सर, समाज सेवा, देश का नाम रोशन, और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। संगठन से देखिए, आज हम एकत्रित हुए हैं इस खुशी में कि कुमारी कंचन जो वर्तमान में 12th कक्षा में अध्ययनरत कर रही थी, उसका रिजल्ट 25 मई को घोषित हुआ। और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में एक सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय कन्नौद की बालिका जो दावत के ग्राम में रहती है, उसका नाम कंचन, पिता दिनेश, माता आनंदीबाई बड़ोदिया है, जो गरीब परिवार से हैं और बहुत ही अच्छे से शिक्षा हासिल करके प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निवासी के विद्यालय से की और उच्च शिक्षा जो 12th तक की शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी विद्यालय कन्नौद से की। इनके प्रिंसिपल महोदय रामबरजोज परमा साहब और इनको जो शिक्षा कक्षा अध्यापक हैं वो समस्त विद्यालय परिवार और बालिका के माता पिता को बहुत बहुत बधाई शुभकामना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा ही रिजल्ट घोषित हुआ उसी दिन से ऐसा मैसेज गया कि गृह विज्ञान की बालिका कुमारी कंचन बड़ोदिया तहसील कन्नौद जिला देवास की रहने वाली है और पूरे मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में जो विद्यार्थी थे 12वीं कक्षा में, उसमें एक नाम रोशन हुआ है मध्य प्रदेश के, जिसका नाम कंचन बड़ोदिया है। हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, बालिका को पुष्पहार व भारतीय संविधान की उद्देशिका से और कुछ राशि भेंट कर सम्मान किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि हर मानव परिवार में, हर समाज में इसी प्रकार बच्चे शिक्षा हासिल करें, माँ बाप का, परिवार का, देश का नाम रोशन करें। सर, आपका संगठन का नाम बताइए। संगठन का नाम मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स। आपका पद बताइए सर। मेरा पद तहसील अध्यक्ष कन्नौद। अच्छा, शुभ नाम नंदलाल हरियाले और हम लोग जिला अध्यक्ष RR हरियाले साहब के निर्देश अनुसार
पालिका का सम्मान करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच लोकेंद्र कलम साहब, किशनलाल जाटव जी, संतोष हरियाले जी, ममता हरियाले, अनिता इक्का और संगीता फरते मैडम और समस्त परिवार एवं सामाजिक एवं बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बालिका का सम्मान। अच्छा, संगठन के माध्यम से आपने पुरस्कृत किया बालिका को। जी, आगे आपका संगठन बालिका को क्या सहयोग कर सकता है? आगे बालिका को शिक्षा के लिए मध्य प्रांतीय स्तर से एवं संभाग स्तर से बालिका को हम अच्छे उच्च मंच से सम्मान करेंगे और उनकी शिक्षा में पूर्ण सहयोग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।